जीटीवी पर आने वाले शो सारेगामा पा लिटिल चैंप की प्रमोशन के लिए बॉलीवुड सिंगर शान, गायिका ऋचा शर्मा, अदाकार रवि दुबे और म्यूजिक आइकन अमाल मलिक गुरु नगरी अमृतसर पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए गायक शान ने कहा कि यह शो प्रतिभाशाली बच्चों को एक मंच प्रदान करता है। मैं समझता हूं कि बच्चों पर पेरेंट्स का प्रेशर रहता है। टीवी शो में भाग्य अजमा रहे बच्चों की मासूमियत बरकरार रहनी चाहिए। पेरेंट्स उन्हें शो में लाएं तो जय जरूर देखें, वह यहां सीखने के लिए आ रहा है। यदि सफल हो जाता है तो अहंकार का भाव उत्पन्न न होने दें। बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग से वक्त रखें। मुद्दे पर आते हैं, शो पर आते हैं। यही शो यही कि हमारे साथ हमारे लिटिल चैंप्स के चार बहुत ही होनहार आवाज़ें आई हैं। और पिछले हफ्ते हम लोग लुधियाना गए थे, तो पंजाब को इसलिए हम आ रहे हैं बार बार कि जो हमें बताया गया है कि चाहते हैं कि पंजाब के जो लोग हैं उनमें फिर से एक जी के इस शो के बारे में एक जागरूकता बढ़ाएं और उन्हें अपने जो केबल ऑपरेटर्स हैं उनसे ताकि वो कहें कि यार हमें हमारे पैकेज में जी डालो, ये क्या चक्कर है। तो सिर्फ सारेगामा पा ही क्यों, जी के बहुत सारे बहुत ही मनपसंद लोकप्रिय शोज़ हैं जिनसे लोग वंचित हो रहे हैं। और तो फिर उसी मुद्दे पर हम आए हैं जी, और साथ साथ अमृतसर आए हैं, तो फिर यहाँ की चाहे गोल्डन टेंपल हो और भी यहाँ के कमाल कमाल की जो जगहें हैं, टेंपल्स हैं, रेस्ट खाने स्वाद है। मैं कपिल शर्मा से बात हो रही थी, अरे बोले जान आप मेरे शहर जा रहे हो तो खूब वहाँ खा के आना, एकदम एंजॉय करके आना, कमाल का खाना तो वहाँ मस्त होता है। फिर ऑफकोर्स बाघा बॉर्डर है, बहुत सारे, अभी तो थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन जब भी आते हैं तो बहुत एक अलग जोश आ जाता है जब भी वहाँ जाते हैं। वहीं शान के साथ अमृतसर पहुंची ऋचा शर्मा ने कहा कि सारेगामा पा शो में बच्चे एंजॉय करते हैं और खुद को साबित भी करते हैं। वहीं म्यूजिक आइकन अमाल मलिक ने कहा कि पंजाब के 20 लाख घरों में लोग अपने पसंदीदा कार्यक्रम नहीं देख पाते। हम अमृतसर व लुधियाना में लाइव कंसर्ट में लोगों के साथ अपने रिश्तों को प्रदर्शित करेंगे कि लोगों से रूबरू हो सकें और हमारा शो सारेगामा पा लिटिल चैंप्स आपके पंजाब के बहुत ही सुरीले और बहुत ही टैलेंटेड बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि आप अपने अधिकार को जानें, लो कंट्रोल बैक, यानी कि आप अपने हाथ में अपना कंट्रोल लें, अपने को केबल ऑपरेटर से बोलें कि आपको आपका जी पैक दें, क्योंकि उसी के थ्रू आप अपने इतने पुराने रिश्ते को जो आपका 23-24 सालों से जी टीवी के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है उसकी कड़ी कमज़ोर नहीं होने देनी है। तो आप अपने अधिकार, अपना कंट्रोल अपने हाथ में लें और अपने फेवरेट शोज़ लिटिल चैम्प्स के साथ साथ और भी दूसरे शोज़ आप भरपूर मज़े ले सकें, एंटरटेन हो सकें। बच्चे पंजाब से हैं सर, सब मिक्स है, पूरे हिंदुस्तान से हैं, लेकिन आपके पंजाब से भी दो बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो आप लोग मिस ना करें अपने फेवरेट शोज़ और उनको देख पाएं, इसलिए कंट्रोल अपने हाथ में लें। बहुत अच्छा लगा, दरबार साहब गई थी, दर्शन करके आई और बहुत बहुत मज़ा आया, ब्लेसिंग्स लिया, एक अच्छी फीलिंग है। कल कुलचा लेने जाएंगे, कुलचा खाएंगे। शाम को है जी शो एंड इट्स गोइंग टू बी एन एंटरटेनिंग इवनिंग। बच्चे आए हैं हमारे, लिटिल चैंप्स आए हैं, जी के बड़े कलाकार आए हैं, ऋचा जी, शान, अमाल आए हैं, तो सब लोग आए हुए हैं ताकि आपको एक बेहतरीन शाम दे सकें और आपको ये भी बता सकें कि ये जो एंटरटेनमेंट आज आप शाम को सैम्पल करने वाले हैं या जो लुधियाना ने पिछले हफ्ते किया है वो आप हर रोज़ अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर कर सकते हैं। उसकी शर्त केवल एक, जी टी वी आपके घर आना चाहिए। तो आपको अपने केबल ऑपरेटर से कहना है कि अगर जी टी वी आपके यहाँ नहीं आ रहा देन यू मस्ट सब्सक्राइब टू इट एंड द केबल ऑपरेटर हैज़ टू गिव यू जी टी वी, सो दैट इज़ वाई वी आर हियर, ताकि आप अपना कंट्रोल जो है वापस ले सकें। बच्चे पंजाब से, कुछ अलग अलग प्रांत से हैं, तो संगीत और सुर एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ कोई प्रांत आपको बांध नहीं सकता है। मतलब डेफिनेटली वो एक गर्व बढ़ाता है, मगर वो इट्स अ ग्लोबल थिंग, यू नो, सो म्यूज़िक इज समथिंग विच इज़ ग्लोबल एंड यू विल एंजॉय एवरीबडी दैट। आज शाम बहुत ही बढ़िया, मतलब ऑल हार्ट, पंजाब इज़ अ हैप्पी प्लेस एंड ऑलवेज ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू। मैं यहाँ आता हूँ तो मैं हरमिंदर साहब हमेशा ही जाता हूँ, मैम ऑलवेज दैट एंड उसके अलावा मैं बट खाने का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन आजकल डाइट पे चल रहा हूँ। तो लोकप्रियता इतनी बड़ी है और अगर अपने आप मतलब उससे बड़ा उपयोग क्या हो सकता है अपनी लोकप्रियता का, अपनी पॉपुलैरिटी का, कि आप उससे लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहें, उनके जीवन को बेहतर बनाना चाहें, तो ये अच्छी बात है बहुत, और मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अमृतसर से धर्मवीर गिल, खबर हरपल इंडिया।